हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्ट्रीम यूट्यूब चैनल। जैसा कि कल हमने पढ़ा था अपने यूनिट्स के बारे में, ठीक है, सात यूनिट्स जो होती है उनके बारे में पढ़ा था, तो आज उसी के साथ साथ उसके आगे बढ़ते हुए साइंस में आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा का रूपांतरण। मतलब ऊर्जा का रूपांतरण किस चीज में, किस में कन्वर्ट होता है, इस चीज को जान लेंगे, ठीक है। इसके साथ हो सकेगा तो मैं थोड़ी सी ट्रिक आपको ऐड करवाऊंगी, और याद करने की कोशिश पूरी क्लास में ही करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। डायनमो, डायनमो क्या है, ठीक है, मतलब इसमें एक ऐसी ऊर्जा है जो अंदर भरी हुई है। क्या है? अंदर भरी हुई है। तो जब इसको अंदर भरी हुई ऊर्जा को कब बाहर निकलेगी, जब इसको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत मिलेगा। तो बस इसी से आप याद कर लीजिए कि डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नेक्स्ट आपका आ जाता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर तो है, अब मोटर है, मोटर में पहले से भरी हुई नहीं है एनर्जी। आप क्या करते हो, अपने घर की मोटर जब ऑन करते हो तब उसमें पहले इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है, फिर वो जो होता है कस के घूमता है और पानी बाहर फेंकता है, ठीक है। तो बस इसी से याद रखिए कि पहले क्या मिलेगी इसको, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर, क्या मैंने बोला, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्लियर। नेक्स्ट आपका आ जाता है भाई शो सौर सेल। सौर सेल अब जो सूर्य की रोशनी मिलने से चार्ज होता है, तो ये आपको पहली बात तो क्या देगा, प्रकाश देगा। पहले क्या देगा, प्रकाश देगा, पर देगा कब, जब इसकी सेल चार्ज होगी। जब आपने वो सेल बनाई तो पहले आपके माइंड में क्या आया कि ये क्या देगा, हमें प्रकाश देगा। कब देगा, जब वो चार्ज होगी, यानी उसके पास चार्ज विद्युत इलेक्ट्रिसिटी होगी तभी ना देगा प्रकाश। तो सौर सेल जो होता है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्लियर हो रहा है आपको? नेक्स्ट आ जाता है आपका लाउड स्पीकर। सॉरी, हम लाउड स्पीकर, क्या लाउड स्पीकर जोर जोर से बजता है, क्या होता है, जोर जोर से वो आपका लाउड स्पीकर है जो बजता है। कब बजता है, कब बजता है, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है यानी विद्युत मिली। तो फिर जब उसकी आप स्विच ऑन करते हो, पहले तो उसके पास इलेक्ट्रिसिटी गई, देन वो क्या हुआ, बजा यानी आवाज आई आपके पास। तो पहले ही क्या हुआ, विद्युत मिली, तो विद्युत ऊर्जा को फिर क्या आई, आवाज, ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है। लाउड स्पीकर क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में फिर आपका आ जाता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन अब क्या होता है भाई, माइक्रोफोन आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। माइक्रोफोन में जब फोन आता है तो आप उठा लेते हो तो क्या आती है, ध्वनि आती है, लेकिन आती कब है भाई, जब उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो माइक्रोफोन जो होता है ये आपकी ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। थोड़ा सा समझ के याद हो जाएगा, क्लियर। क्या करता है ये, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, क्लियर। कॉपी में अपनी नोट करते जाइएगा या फिर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट आ जाता है
सॉरी हाँ, सितार। सितार से क्या आती है? आवाज। आवाज कब आती है? जब आप उसे बजाते हो, ठीक है? तो बजाना पड़ेगा। बजाने के लिए आपको क्या, उसकी किस एनर्जी को बाहर निकालना पड़ेगा? यांत्रिक, जो उसमें छिपी हुई है यांत्रिक ऊर्जा को। फिर जब आप बजाओगे तो फिर उससे क्या आएगी? ध्वनि निकलेगी, ध्वनि ऊर्जा में। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? हमारा सितार में जो होता है ये होती है परिवर्तित। कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ओके, फिर आ जाता है आपके ट्यूबलाइट, हीटर, बल्ब। इन सबसे आपको क्या मिलती है भाई? रोशनी मिलती है। रोशनी कब मिलेगी? जब आप इनके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हो। तो सिंपल सी बात है, ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। क्लियर? कोयले का जलना। अब जल रहा है कोई चीज, जब कोई चीज जलती है तो क्या होता है उस, जब पहली बात तो जलना हमेशा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है? यानी फिजिकल नहीं, भौतिक गुण नहीं, हमेशा रासायनिक गुण होता है। तो रासायनिक जो ऊर्जा है वो किस में? कोयला जल रहा है तो उससे क्या मिलती है? ऊष्मा, ठीक है? ऊष्मा मिलती है, आपको ताप मिलता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को ऊष्म ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें? ऊष्म ऊर्जा में, ठीक है? फिर आ जाता है विद्युत सेल। अभी जैसे मैंने आपको सौर सेल समझा दिया है, तो विद्युत सेल पहली बात तो इसमें क्या है? विद्युत है। तो आपको पहली तो यही ध्यान रखना है भाई, इसमें विद्युत है। क्या है? विद्युत है। बट विद्युत सेल ये भी आपकी रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? आपका ऊष्म ऊर्जा में, सॉरी, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है? विद्युत सेल जो है आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती का जलना, जैसा कि अभी मैंने आपके साथ ही डिस्कस किया कि जलना हमेशा केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणधर्म होते हैं, कभी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती, यानी भौतिक गुण नहीं होते हैं। तो जलेगा तो वो क्या देगा? प्रकाश देगा। मोमबत्ती जलती है तो आप उससे हाथ तो अपने गर्म करते नहीं हो, प्रकाश लेते हो। तो नॉर्मल सी बात है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा। ओके, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रकाश विद्युत सेल। जैसा कि अभी मैंने विद्युत सेल आपको बताया, सौर सेल आपके साथ डिस्कस किया, उसी तरह जो आपका है प्रकाश विद्युत सेल। तो इसमें क्या है? प्रकाश आ रहा है, ठीक है भाई? यानी प्रकाश ऊर्जा तो होनी ही है, ठीक? उसके साथ जो प्रकाश इससे आता है वो यांत्रिक तरीकों से निकलता है। तो ये प्रकाश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लास्ट वन आपका आ जाता है इंजन। इंजन में क्या होता है? इंजन में सबसे पहले तो क्या भरा होता है? सबसे पहली बात तो इंजन में ऊष्मा भरी होती है। ऊष्मा मतलब इंजन जो होता है हीट कर जाता है। जैसे आपने गाड़ियों का भी इंजन देखा हो, ठीक है? तो वो हीट मारता है। तो उसमें पहले तो हीट होती, क्योंकि उसमें क्या भरी होती? यांत्रिक ऊर्जा भरी होती। कौन सी? यांत्रिक ऊर्जा। तो ये ऊष्मा ऊष्मा
ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स थे आई, और मैंने आपको ट्रिक के साथ इसे समझा भी दिया है, तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा, और अगर आपको भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने छोटे छोटे फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय।